इस कल के सवाल का जवाब किन किन लोगों ने सही दिया ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और हम एक नया सवाल भी पूछेंगे वो जानने के लिए भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज रिएक्शंस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारे वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस, और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं बुरा वक्त। बुरा वक्त सबका आता है, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है साली, कभी भी पलट जाती है। ये किस मूवी का डायलॉग है? हैप्पी न्यू ईयर का डायलॉग है। सो बुरा वक्त कराची वाइंस ऑफिशियल का ये वीडियो है, बहुत अच्छे वीडियोस इनके रहते हैं। तो बुरा वक्त कैसा दिखाया इन्होंने, फनी वे में ही दिखाया होगा, तो देखते हैं हियर वी गो। बुरा वक्त क्या हुआ? ये वीडियो मुझे सीरियस लग रहा है, फनी नहीं है। ओह माय गॉड, भाई वाओ यार, पाकिस्तान भी दिखा रहा है साथ। चार भी ना, ऐसी पतली पतली गलियां बहुत अच्छी लगती है मुझे, हमारे यहाँ पर भी मुंबई वगैरह टूट गए अंडे। पीछे बकरे भी आ रहे हैं, गायब। मुझे लगता है ये भागते भागते उसके एरिया में पहुंच जाएगा। पीछे से देखा है ओ तेरी, दोनों का सामान एक्सचेंज हो गया। ओ तेरी पुलिस, चोट गन उसके हाथ। ओ तेरी बुरा वक्त, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, चोर था ये, वो चोर है तेरे बाप। अरे वाह, चुप कर, अब मैंने सब पता कौन चोर है कौन नहीं। रे थाने तो मैं थाने में बताऊंगा, चल थाने। बुरा वक्त तो कभी भी आ सकता है, मगर अच्छा वक्त तो अभी आ रहा है। 1920 चले एड है। ओ आओ यार, सही है यार, ये तो बुरा वक्त है यार भाई। क्या एड किया यार, सही टाइम पे एड। इनका बहुत शानदार लगता है इनका जो एड का तरीका है, और इस वीडियो पे वो डायलॉग फिट बैठा जो हमने शुरू में बोला था, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, सही है, अभी भी पलट जाती है। बुरी कत्ती कमीनी हरामी चीज है, हाँ कब बदलती है पता ही नहीं चलता। हाँ यार, बेकसूर लोग फंस जाते हैं, बेचारा बेचारा खुद का बैग छुला दे उसने। और ऐसे केस रियल में भी होते हैं बहुत सी बार, होते हैं हमारे अभी कुछ दोस्तों के साथ हो चुके हैं, उस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी हाँ हुए हैं यार, किस्मत पे डिपेंड, किस्मत आपकी अच्छी होना चाहिए यार, किस्मत कुछ भी कर सकती है यार। कराची वाइंस वाले क्या काम करते हैं यार। तो हमारा एक पूरी सीरीज चल रही है कराची वाइंस की, इंग्लिश डेट, इंग्लिश रिश्ता, और हाँ। इंग्लिश, अब इंग्लिश शादी का वेट है। एक तरीके से देखा जाए तो इनका हर वीडियो एक एड है। हाँ, एक एड है, बहुत बेहतरीन एड है। और उनकी हर वीडियो में लगभग सीरीज होती है, जैसे ये भी एक सीरीज शुरू हो गई है, बुरा वक्त एक सीरीज, पार्ट वन पार्ट टू होगा इसका भी, तो वो भी आप इंशाल्लाह जरूर हम इसी चैनल पे रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल जरूर। और इंग्लिश रिश्ता भी शायद कल रिलीज होने वाला है, तो वो भी आप नया आने वाला है। हाँ, उसका भी एक ही बचा है शायद, इंग्लिश शादी, शादी बोला था ना, इंग्लिश शादी, तो शायद वो आने वाला है वीडियो। तो कल इंशाल्लाह आप उस वीडियो को
देखेंगे एम्ब्रोस इंडिया पर, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है दोनों चैनल। अभी आप लोगों का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जैसा कि रेहान ने बोला दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एम्ब्रोस रिएक्शंस को भी, और सभी सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कीजिए, कराची वाइंस को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर। सो गाइज अब टाइम आ गया है उन लोगों के नाम बताने का जिन्होंने कल के क्वेश्चन का सही जवाब दिया, लेकिन मैं पहले आपको क्वेश्चन बता दूं क्वेश्चन क्या था। सो क्वेश्चन था कि आप एक नदी के पास खड़े हैं और आपके पास 5 लीटर का और 3 लीटर का नापने वाला डब्बा है, सो आप 1 लीटर पानी कैसे नापोगे। सो इसका सही जवाब ये था कि पहले 3 लीटर वाला डब्बा भरोगे आप और 5 लीटर वाले में डब्बे में डालोगे, और फिर से दोबारा 3 लीटर वाला डब्बा भर के 5 लीटर वाले डब्बे में डालोगे। तो ऐसा करने से 5 लीटर वाला डब्बा जैसे ही फुल हो जाएगा, 3 लीटर वाले डब्बे में 1 लीटर पानी बच जाएगा। सो इसका सही जवाब दिया है सबसे पहले इन लोगों ने, इनके नाम है अशरफ अहमद, नोमान हसन और माय नेम इज़ खान। सो इन्होंने सही जवाब दिया इसका। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो पिन कमेंट रहता है हमारा, उसमें उसके रिप्लाई में आप सही जवाब लिखेंगे तो ही आपका नाम वीडियो में लिया जाएगा। अगर सबसे पहले जो 3-4 लोग जो सही आंसर देंगे उनके नाम में वीडियो में बोलूँगा। और आज का जो नया क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे लोग साल के शुरू में ख़रीदते हैं, पूरा साल यूज़ करते हैं और साल ख़त्म होने के बाद लोग फेंक देते हैं, सो बताइए मैं कौन हूँ, वो क्या चीज़ है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो पिन कमेंट रहेगा उसके रिप्लाई करके ही बताइएगा, तभी आप लोगों का नाम नेक्स्ट वीडियो में आने के चांसेस है।